ट्रांजेक्शंस। तो ये होते क्या हैं ट्रांजेक्शंस, किस काम के लिए यूज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, टू ट्रांसफर द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। ठीक है, तो ट्रैक जंक्शंस आर फॉर्म बाय यूजिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। ठीक है, पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था टर्नआउट के बारे में। तो उसमें हमने क्या देखा था कि पॉइंट और क्रॉसिंग का यूज करके ही हम टर्नआउट बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह का ट्रैक जंक्शन होता है। अभी जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रैक जंक्शंस आर फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द पॉइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स एंड पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व रेल्स। ठीक है, स्ट्रेट और कर्व रेल का इस्तेमाल करते हैं इसमें किस लिए, टू ट्रांसफर दी ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। हाँ, वन ट्रैक टू अनदर। ठीक है, तो जब भी हम ट्रैक जंक्शन फॉर्म करेंगे उसमें हम स्विच और क्रॉसिंग का इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिकल स्प्लिट आर इक्विवेलेंट टर्नआउट। ठीक है, सिमेट्रिकल स्प्लिट या फिर इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट टर्नआउट, इक्विवेलेंट टर्नआउट। अब यहां हम नाम से ही देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, कोई एक ट्रैक जा रहा है, अब उसी ट्रैक से दूसरा ट्रैक हम ओरिजिनेट करा रहे हैं। ठीक है, निकाल रहे हैं, तो कुछ ऐसा लाइक दिस है ना, ऐसे आ रहा होगा। तो इसको हम अगर ड्रा करें, या मैं देखता हूँ अगर इसका डायरेक्टली डायग्राम अवेलेबल है हमारे पास, तो मैं जी हाँ, ये आ गया हमारा सिमेट्रिकल स्प्लिट। ठीक है, आई थिंक इस पे तो आएगा नहीं, दूसरे पे लाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल स्प्लिट, ऐसा दिखता है। तो इसमें हमारा क्या है कि मेन ट्रैक हमारा ये हमारा ट्रैक आ रहा है, अब इसी से एक ये और एक ये सिमेट्रिकली स्प्लिट हो गया। ठीक है, सिमेट्रिकली क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो कह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल स्प्लिट। अब अगर हम इसकी रियल इमेज देखें तो कैसा लगता है, तो हमारे पास रियल इमेज भी मैंने सर्च किया था, यानी कोशिश करते हैं, या दिस इज द सिमेट्रिकल स्प्लिट। अब यहां से देखो, ये हमारे पास मेन ट्रैक इधर से ऐसा जा रहा था, इक्वली जो है ये इधर डिवाइड हो गया, वैसे ही इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह ना है स्ट्रेट ट्रैक
इसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट ट्रैक है, स्टेट हमारा ट्रैक है और वो क्या कर रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। कैसे? दो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इसमें अगर सिमिलर की बात करें तो सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि अगर एक हम एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, ये एक्सिस अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो इक्वली हमारा इधर और इक्वली हमारा इधर स्प्लिट हो रहा है, तो ये इसको कहेंगे कि हम इक्वलेंट टर्नआउट, ठीक है, या फिर सिमेट्रिकल स्प्लिट, सिमेट्रिकल स्प्लिट हो रहा है। तो मेरा मेन ट्रैक है, मेन ट्रैक स्ट्रेट ट्रैक, वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट हो जा रहा है, बस सिंपल सी इतनी सी बात समझिएगा। तो व्हेन आई स्ट्रेट ट्रैक, व्हेन अ स्ट्रेट ट्रैक इज स्प्लिट अप, इज स्प्लिट अप इंटू टू डिफरेंट डायरेक्शन, इंटू टू डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, विद इक्वल रेडियस, मतलब रेडियस जो है उसका इक्वल। तो ये क्या कहलाता है, इस सिमेट्रिकल स्प्लिट कहलाता है, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्प्लिट। क्लियर है कि हमारा स्ट्रेट ट्रैक दो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाए सेम रेडियस के साथ, मतलब दोनों को जो दो डायरेक्शन में स्प्लिट हुआ उन दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इस असिमेट्रिकल स्प्लिट या फिर इक्विवेलेंट टर्नआउट। ठीक है, ये हो गया इससे रिलेटेड इमेज। अब इसमें कुछ चीजें नोट डाउन करने वाली हैं कि इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल स्प्लिट में जो है यूज कहाँ पे होता है, जब क्रॉसिंग का जो नंबर होता है 1:6 हो, ठीक है, तो क्रॉसिंग नंबर क्या होता है, क्रॉसिंग नंबर नंबर इज यूज्ड, या कह सकते यूज्ड इन दिस केस इज 1:6। ठीक है, 1:6 का मतलब क्या हुआ कि यहां पे कम स्पेस ले रहा है स्प्लिट होने में, बहुत जल्दी ही क्या हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, डाइवर्ज होने का मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है ये ज्यादा है 1:6, जैसे जैसे 1:n अगर कंसिडर करें तो n की वैल्यू जितना ज्यादा लेंगे तो ये उतना ही इजीली ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1:ज़्यादा होगा, 1:6 से यहाँ पे ज़्यादा होगा, 8.5 या 12 ऐसे करके। ठीक है, तो इस केस में हम कितना लेते हैं, 1:सिमेट्रिकल स्प्लिट के केस में हम 1:6 लेते हैं। फिर उसके बाद और क्या है कि इसमें और चीज़ क्या देख सकते हैं कि जो हमने पॉइंट यूज किया है तो पॉइंट कितने हैं, 1, 2, ठीक है, तो दो पॉइंट है, पेयर ऑफ पॉइंट, बस पेयर ऑफ पॉइंट। फिर उसके बाद लीड रेल कितनी है, लीड रेल हमारी एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो यहाँ पे हमने चार लीड रेल, कर्व्ड लीड रेल, यहाँ पे कर्व्ड लीड रेल, तो चार हम कर्व्ड लीड रेल इस्तेमाल किया। और चेक रेल कितनी है हमारी यहाँ पे, एक ये वाली और एक हमारी ये वाली, ये हो गई हमारी चेक रेल। तो कितनी चेक रेल इस्तेमाल किया हमने, 2 चेक रेल, 4 कर्व्ड लीड रेल और पेयर ऑफ स्विचेस। ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट्स, तो इसमें कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट्स,
पॉइंट, ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट्स फोर कर्व्ड लीड रेल, और क्या है, टू चेक रेल्स, चेक रेल्स, ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट्स फोर कर्व्ड लीड रेल्स और टू चेक रेल्स, और क्या, मेन एक एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ठीक है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, वन एक्यूट क्रॉसिंग, इतनी चीजों से ये मिलकर बना होता है। और इसका हम इस्तेमाल कहां करते हैं, इट इज सुटेबल फॉर द लोकेशन, इट इज सुटेबल फॉर द लोकेशंस वेयर टर्न आउट फ्रॉम स्ट्रेट ट्रैक टेक टू मच स्पेस, टेक टू मच स्पेस, ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है कि एक मान लिया ऐसे ट्रैक था, एक हमारा कुछ ऐसे ट्रैक था, ठीक है, इनको दोनों को आके मर्ज करना है एक सिंगल ट्रैक में। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला एरिया जो है इट इज टेकिंग टू मच स्पेस, मतलब कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग नंबर होगा वो 1:6 यूज होगा और हम स्प्लिट, सिमेट्रिकल स्प्लिट पे जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास स्पेस ज़्यादा होता है या कुछ अलग कंडीशंस बन रही होती तो हम दूसरे टाइप में के ट्रैक जंक्शन को प्रीफर करते हैं, ठीक है, ये इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थ्री थ्रो स्विच, ठीक है, थ्री थ्रो स्विच, इसको लिखेंगे इस पे थ्री थ्रो स्विच, अब ये क्या चीज होता है, नाम से क्या पता चल रहा है कि थ्री थ्रो, तीन थ्रो है इसमें, ठीक है, तीन प्रकार से ट्रेन को फेंक रहा है, सिंपल सी बात, तीन प्रकार से ट्रेन को फेंक रहा है या तीन ट्रैक पे ट्रेन जा सकती है। अब इसमें क्या होता है कि इसका भी हम आपको डायरेक्टली इमेज इंपोर्ट करते हैं जी, या कहें तो दिस विल बी बेटर, ठीक है, अब देखिए अगर एक ही फिगर से आप समझिए, इसको हम हटा देते हैं, हमारी जो ट्रेन है वो मान लिया इधर इस डायरेक्शन से आ रही है, अब इसको हमको तीन डिफरेंट डायरेक्शन में हमको मूव हम करा सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए, एक तो ये सीधा जा सकती है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा सकती है और तीसरी हमारी इस डायरेक्शन में जा सकती है, तो तीन तरह से हम थ्रो कर सकते हैं अपनी ट्रेन को, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थ्री थ्रो स्विच। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे पॉइंट इस्तेमाल किए वो क्या कर रहा है, सेम पॉइंट पे ओरिजिनेट करेगा, ठीक है, सेम पॉइंट पे ओरिजिनेट करेगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इधर के लिए भी रास्ता शुरू होगा और इधर के लिए भी रास्ता शुरू होगा, वैसे इस पॉइंट इधर से इधर से, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अभी इसका इस पॉइंट का जो मैंने आपको बताया कि सेम पॉइंट पे ओरिजिनेट कर रहा है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट जब डबल टर्नआउट डिस्कस करेंगे तो इसका रोल समझ में आएगा कि डबल टर्नआउट
किस तरह से डिफरेंट होता है थ्री थ्रू सिक्स से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करती हैं दोनों डायरेक्शन में, जब ट्रेन स्प्लिट होती है तो जो ट्रैक होता है वो सेम पॉइंट से ही कह सकते हैं कि स्प्लिट होता है, ठीक है। तो व्हेन टू टर्न आउट take off from the same point, ठीक है। क्या बताया मैंने कि same point से दो turnout take off करते हैं of a main straight track, ठीक है। और इसमें हमने दो फिगर डिस्कस किए, दो फिगर बना के या इंपोर्ट किया हमने। इसमें दो चीजें हैं, एक तो होता है कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर। कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर का मतलब होता है कि जो स्ट्रेट ट्रैक है उसके दोनों डायरेक्शन में, अगर दोनों डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन एक और ये डायरेक्शन, अगर दोनों डायरेक्शन में जो है टर्नआउट टेक्स प्लेस, टर्नआउट जो है जाता है या ट्रैक हमारी स्प्लिट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर। अगर एक ही डायरेक्शन में दो डिफरेंट ट्रैक ओरिजिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट पोर्शन है, एक हमारा ये ट्रैक चला गया, एक हमारा ये ट्रैक चला गया, तो एक ही डायरेक्शन में अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम सिमिलर फ्लेक्चर, बट थ्री थ्रो स्विच दोनों ही कहलाएंगे, ठीक है। मतलब कि तीन रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं, अब वो एक डायरेक्शन में जाते हैं या दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर कहलाएगा या तो फिर सिमिलर फ्लेक्चर कहलाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देख लिया। फिर उसके बाद ये जो थ्री थ्रो स्विच है इसको आजकल यूज नहीं किया जाता, तो कह सकते हैं इट इज, या दिस ट्रैक जंक्शन इज ऑब्सोलेट दिस डेज, दिस ट्रैक जंक्शन इज ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट दिस डेज, ठीक है। ये इस तरह के जो जंक्शंस है आजकल यूज इसमें नहीं आए हैं। और अब हम बात करेंगे कि ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि पेयर ऑफ द स्विच होता है, ठीक है, दो स्विच होते हैं, कंबाइंड हील ब्लॉक होता है, ठीक है, कंबाइंड हील ब्लॉक होता है। जो भी दो डिफरेंट डायरेक्शन में हमारी ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक से स्प्लिट हुई है, तो उसमें जो हील ब्लॉक, ये अगर कहें तो ये टर्नआउट टंग रेल होगी और ये टंग रेल होगी, इसका जो हील होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, जो हील ब्लॉक होगा दोनों के लिए सेम होगा। फिर उसके बाद टू स्टॉक रेल, ठीक है, स्टॉक रेल इसमें दो होंगी। फिर उसके बाद तीन क्रॉसिंग होगी, तीन क्रॉसिंग कौन कौन सी, एक तो हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई और एक हमारी ये हो गई, तीन इसमें क्रॉसिंग हो गई, दो स्टॉक रेल हो गए। और कह सकते हैं कि चेक रेल्स जो हैं वो होती हैं चार, चेक रेल्स कितनी होती हैं, चार होती हैं। और इसमें हम देख भी सकते हैं कि देखिए एक तो ये हो गई, दो, तीन और चार, ठीक है, तो चार चेक रेल्स होती हैं। और सिमिलर फ्लेक्सर के केस में छह चेक रेल्स होती हैं, कितनी, छह चेक रेल्स होती हैं। तो इसको लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ
पेयर ऑफ द स्विचेस, पेयर ऑफ स्विचेस, फिर उसके बाद कंबाइंड हील ब्लॉक, हील ब्लॉक फॉर बोथ द टंग रेल्स, फॉर बोथ द टंग रेल्स, सॉरी टंग रेल्स ऑफ स्विच, ठीक है, जो स्विच की दोनों टंग रेल होंगी उसके लिए जो हील ब्लॉक होगा वो सेम होगा। टू स्टॉक रेल, थ्री क्रॉसिंग्स, एंड चेक रेल्स, चेक रेल्स, फोर इन कॉन्ट्रेरी एंड सिक्स फॉर सिमिलर फ्रेक्चर, ठीक है। चार हमारा होगा, अगर कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर है तो चार चेक रेल्स यूज होंगी, अगर सिमिलर फ्लेक्चर है तो उस केस में छह चेक रेल्स हमारी इस्तेमाल होंगी। और क्या, ये जो थ्री थ्रो स्विच है इसको हम यूज कहां करते हैं, यूज कहां करते थे, जहां पे स्पेस बहुत कंजेस्टेड होता है, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं कि स्पेस हमारे पास अवेलेबल प्रॉपर वे में नहीं होता है, कंजेस्टेड होता है, तो उस केस में हम थ्री थ्रो स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड इन द कंजेस्टेड एरियाज, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड इन कंजेस्टेड एरियाज, कंजेस्टेड एरियाज वेयर स्पेस इज नॉट इनफ, ठीक है, जहां पर स्पेस इनफ नहीं होता है, वेयर स्पेस इज नॉट इनफ, नेक्स्ट हम देखेंगे डबल टर्न आउट। डबल टर्न आउट कुछ नहीं है, जो हमने अभी लास्ट थ्री थ्रो स्विच डिस्कस किया है इसी का मॉडिफिकेशन फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं डबल टर्न आउट, ठीक है। डबल टर्न आउट या इसी को बोलते हैं हम टैंडम, अब इसको भी बाय इमेज हम देखेंगे। तो इसमें बहुत कुछ अलग नहीं है, इसमें अलग क्या होता है कि उसमें सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा था, इसमें दो डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, बस सिंपल सी इतना ही इसमें अंतर होता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं, अगर हम इसको अगर ग्रीन से दिखाएं, इसको हम पर्पल से दिखाएं, तो देखिए इसके लिए जो ओरिजिनेट हो रहा है वो यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, और सॉरी कलर इसके लिए, इसके लिए जो ओरिजिनेट हो रहा है ए डैश और बी डैश से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन जो पर्पल के लिए ओरिजिनेट हो रहा है उसको ए और बी से ओरिजिनेट हो रहा है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं कि उसमें एक एक पेयर ऑफ स्विचेस रहता था, यहां पे क्या होगा दो पेयर हो जाएंगे, ठीक है। इतना ही अंतर इसमें आता है,
कि दो डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, तो इसका जो फंक्शन होता है वो इजी हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता था कि जो टंग रेल यूज हो रही थी, दो टंग रेल के लिए जो हील ब्लॉक था वो सेम था, यहाँ पे हील ब्लॉक अलग हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, इट इज अ मॉडिफिकेशन, इट इज अ मॉडिफिकेशन ओवर थ्री थ्रो स्विच। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन है तो सिंपल सी बात है कि जो भी उसमें डिफेक्ट रहा होगा थ्री थ्रो स्विच में, उसको ये एलिमिनेट करता है। तो इट एलिमिनेट्स दिस एलिमिनेट्स डिफेक्ट्स ऑफ थ्री थ्रो स्विच। ठीक है, थ्री थ्रो स्विच। और क्या बताया मैंने कि जो इसमें हील ब्लॉक यूज हो रहा है वो दोनों टंग रेल के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, बस हील ब्लॉक होगा वो दोनों टंग रेल का ओवरलैप नहीं करेगा, सिंगल नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि हमने थ्री थ्रो स्विच में देखा था कि वो दोनों टंग रेल के लिए हील ब्लॉक जो था वो सिंगल था, ओवरलैप कर रहा था, लेकिन इसमें ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी दो टर्नआउट ओरिजिनेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट से हो रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हील्स ऑफ द टू स्विचेस डू नॉट ओवरलैप। क्यों ओवरलैप नहीं करता? क्योंकि they are kept at a certain distance. ठीक है, because they are kept at certain distance. फिर इसके बाद और क्या इसमें स्पेशल है? दे मे बी सिमिलर फ्लेक्सर, या तो सिमिलर फ्लेक्सर हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्रेरी फ्लेक्सर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि एक ही साइड में या तो आ सकती है ट्रेन ट्रैक, दोनों ट्रैक एक साइड में आ रहा है, या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में, तो दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो इसमें उसमें था कि अपेयर ऑफ, एक ही पेयर था काहे का, पॉइंट्स का, पॉइंट का एक ही पेयर था, और इसमें लेकिन पॉइंट के दो डिफरेंट पेयर होंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स और जो क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग कितनी होगी? क्रॉसिंग तो तीन होगी, एक यहाँ पे रहेगी, इसमें देख सकते हैं, किसी एक में देख सकते हैं, एक तो ये होगी, दूसरा ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, तो तीन क्रॉसिंग होगी, थ्री क्रॉसिंग्स। और क्या है, चेक रेल कितने होंगे? चेक रेल आपके चार होंगे। जो इमेज है, इमेज में प्रॉपर वे में दिखाया नहीं गया, इसमें चार चेक रेल होते हैं। देखिए, चेक रेल किसके अगेंस्ट लगते हैं? चेक रेल लगते हैं आपके क्रॉसिंग्स के अगेंस्ट। तो इसमें एक क्रॉसिंग तो ये हो गया, अगर हम एक दो और तीन, ठीक है, तो एक के
अगेंस्ट एक यहाँ पे लग जाएगा, तीन के अगेंस्ट एक यहाँ पे लग जाएगा, फिर उसके बाद एक के अपोजिट इस वाले में भी एक लगेगा और दो के अपोजिट एक और लगेगा। तो टोटल एक दो तीन चार, चार चेक रेल्स लगने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो फोर चेक रेल्स, क्लियर है। इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? तो दे कैन बी यूज्ड ऑन, दे कैन बी यूज्ड ऑन मेन लाइंस विद हैवी ट्रैफिक, ठीक है। इसको हम हैवी ट्रैफिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ऑपरेशन कह सकते हैं कि डिस्टर्ब नहीं होता। डिस्टर्ब नहीं होता इसमें, कैसे डिस्टर्ब नहीं होता? क्योंकि हमने देखा कि जो दो टर्न आउट ओरिजिनेट हो रहे हैं वो दो डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर फटाफट ट्रेनें आ रही हैं, अगर हमको इसको भी इधर भी भेजना है उधर भी भेजना है, तो हम प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करके थोड़ा से टाइम का गैप दे के हम ऑपरेट कर सकते हैं इजिली। तो कह सकते हैं कि दे कैन बी यूज्ड ऑन द मेन लाइंस फॉर हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक एंड एरिया ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। In congested areas, ठीक है, congested areas। तो ये होगा हमारा double turnout। Next हम बात करने वाले हैं diamond crossing के बारे में, diamond crossing। डायमंड क्रॉसिंग क्या होती है कि दो डिफरेंट ट्रैक, लास्ट हमने क्या देखा कि एक ही ट्रैक से दो डिफरेंट ट्रैक ओरिजिनेट हो रहता है, ठीक है, स्प्लिट हो रहे थे, ओरिजिनेट हो रहे थे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हमारे पास दो ट्रैक है, डिफरेंट ट्रैक है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, किसी एंगल पे। तो जब हमारा दो डिफरेंट ट्रैक अगर लेस देन 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करते हैं, लेस देन 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि एक डायमंड शेप की क्रॉसिंग बनाते हैं। वहां पे एक जो क्रॉसिंग का शेप जो बनता है वो डायमंड टाइप का बनता है, तो इसलिए हम उसको हम डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। कि व्हेन, पहले तो इसको इमेज के थ्रू देख लेते हैं। देखिए ये जो एंगल क्रिएट होता है यहाँ पे, ये जो एंगल क्रिएट होता है या ये वाला, ठीक है, और या तो फिर इधर कहें तो ये लेस देन 90 होता है। तो व्हेन टू डिफरेंट ट्रैक, व्हेन टू डिफरेंट ट्रैक क्रॉसेस ही जाता है ना, क्रॉस ईच अदर, ईच अदर एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, दे फॉर्म डायमंड शेप क्रॉसिंग, ठीक है, डायमंड शेप क्रॉसिंग, क्लियर है। जब दो डिफरेंट ट्रैक जो है एक दूसरे को क्रॉस करें लेस देन 90 डिग्री पे, तो क्या फॉर्म करते हैं वो, डायमंड
शेप क्रॉसिंग फॉर्म करते हैं। इससे रिलेटेड अगर और इसका इमेज है तो बेटर रहेगा। ठीक है, होनी चाहिए तो फिर इसकी दूसरी इमेज है नहीं। हाँ, यहाँ पे देखें ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो किस किस चीज से मिलकर बना होता है ये, दो तो इसमें एक्यूट एंगल कह सकते हैं, ठीक है, दो एक्यूट एंगल कौन से, एक तो ये वाला जो मैंने वाइट से रिप्रेजेंट किया है, ये कह तो ये ग्रीन से जो मैं शो कर रहा हूं, और एक इधर ये, तो दो एक्यूट एंगल हो गया। और इसमें दो ऑब्ट्यूज भी होता है, ये एंगल जो बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दो तो एक्यूट एंगल होते हैं इसमें और दो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ठीक है, चेक रेल की बात करें तो इसमें चेक रेल जो इस्तेमाल होती है वो होती है टोटल करके कितनी, चार। टोटल कितनी होती है इसमें, चार होती है। अब एक तो ये इतना जानिए कि किसके अगेंस्ट काम करती हैं, ये सब अपने क्रॉसिंग के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, जहां जहां पे क्रॉसिंग होगी वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे चेक रेल और क्या होता है साथ में, विंग रेल। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई विंग रेल, ये हमारी हो जाती है चेक रेल। ठीक है, वैसे ही इस वाले में ये हमारी विंग रेल, ये हमारी चेक रेल। सिमिलर इसके केस में भी अगर हम बात करेंगे तो एक ही इसमें हो जाएगी विंग रेल और एक हो जाएगी चेक रेल। ठीक है, तो टोटल कितनी चेक रेल हो गई, चार चेक रेल हो गई। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ टू एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, एंड टू ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, फिर उसके बाद फोर चेक रेल्स। ठीक है, फोर चेक रेल्स, फिर इसके बाद ये जो है इंडियन रेलवे का फास्टेस्ट डायमंड, इसमें और हम क्या देख सकते हैं कि इसमें एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इट डज नॉट परमिट या दिस जंक्शन या दिस क्रॉसिंग डज नॉट परमिट टू द ट्रेन to change track from one to another, one to another। ठीक है, इसमें बस केवल क्रॉस हो सकती है, एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक पे जो ट्रेन जा रही है उसको क्रॉस करेगी बस, ये नहीं कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में यहां पे
कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है कि चेंज कर सके, ट्रैक चेंज नहीं होगा, ठीक है, ट्रैक सेम रहेगा। फिर उसके बाद इसमें हमने देख लिया कि किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, दो ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, दो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होती है, फिर उसके बाद चार चेक रेल्स होती है। और क्या हो सकता है इसमें कि जो इंडियन रेलवे जो स्पेसिफाई करता है, इंडियन रेलवे स्पेसिफाइज, इंडियन रेलवे स्पेसिफाई फास्टेस्ट डायमंड, सॉरी फ्लैटेस्ट, फ्लैटेस्ट डायमंड टू बी 1 in 10 फॉर ब्रॉड गेज एंड 1 in 8.5 फॉर अदर गेज, ठीक है, फॉर अदर गेज। अब अदर गेज में आपका मीटर गेज भी आ सकता है, नैरो गेज भी आ सकता है। और क्या हो सकता है इसमें कि जो डायमंड क्रॉसिंग होती है उसको हम कर्व से, कर्व पे अवॉइड करते हैं, ठीक है, वहाँ पे अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करता है, ये स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करता है, स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो डायमंड क्रॉसिंग इज अवॉइडेड ऑन कर्व बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट द स्पीड, ठीक है। तभी हम बात करने वाले हैं क्रॉसओवर के बारे में। क्रॉसओवर क्या होता है कि जब दो डिफरेंट ट्रैक जो कि पैरेलल हो, एडजेसेंट पैरेलल, या फिर कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग एडजेसेंट डाइवर्जिंग ट्रैक हैं, तो अगर उनको हमको कनेक्ट करना है, ठीक है, तो हम दो सेट्स ऑफ टर्नआउट यूज करेंगे। दो सेट्स ऑफ टर्नआउट का मतलब कि एक दो पेयर ऑफ स्विचेस और दो क्रॉसिंग, इनका इस्तेमाल करके हम उनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे, और जो पार्ट कनेक्शन क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं क्रॉसओवर, ठीक है। अब इमेज से हम देख सकते हैं कि दो हमारे पास ट्रैक थे, ठीक है, अब इन ट्रैक को कनेक्ट करने के लिए हमने दो सेट्स ऑफ टर्नआउट यूज किया, एक सेट्स ऑफ टर्नआउट यहाँ, एक सेट्स ऑफ टर्नआउट यहाँ। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दो सेट्स ऑफ टर्नआउट का यूज करते हुए हमने इनको कनेक्ट किया, और ये जो कनेक्शन का जो पोर्शन आपको कनेक्ट करने में इस्तेमाल हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रॉसओवर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्रॉसओवर। तो इसको लिख सकते हैं when two adjacent parallel parallel are diverging tracks are connected with the help of two sets of
टर्न आउट टर्न आउट देन द पोर्शन विच कनेक्ट टू ट्रैक इज कॉल्ड एज क्रॉसओवर। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि अगर दो पैरेलल ट्रैक हैं, पैरेलल कह सकते हैं या फिर एडजेसेंट कहना बेटर रहेगा, वो पैरेलल भी हो सकता है या डाइवर्जिंग ट्रैक हैं, तो उनको अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम दो सेट्स ऑफ टर्नआउट का इस्तेमाल करते हैं, और ये पोर्शन जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं क्रॉसओवर। ठीक है, इसके और भी कुछ फीचर्स हैं उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर सकती है, या तो इधर से आने वाली ट्रेन इधर जा सकती है, ठीक है, या फिर इधर से जाने वाली ट्रेन इधर जा सकती है। मतलब कि सिंगल डायरेक्शन, अगर हम कहें कि इधर से जाने वाली ट्रेन इधर जाए, ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं होता। तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, वन डायरेक्शन ओनली। और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि इसमें अगर हम रिवर्स कर्व का इस्तेमाल करें, ठीक है, रिवर्स कर्व, इस यहां पे देखिए, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे, ठीक है, इसका रेडियस कहीं यहां पे आएगा और इस वाले पोर्शन का रेडियस कहीं यहां। तो यहां टू सेट्स ऑफ रिवर्स कर्व, ठीक है, रिवर्स कर्व का इस्तेमाल करते हुए हमने, अगर हम इसको क्रॉसओवर को बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि डिस्टेंस हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, डिस्टेंस हमारी क्या होगी, रिड्यूस हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं, यूज ऑफ द रिवर्स कर्व बिटवीन टू क्रॉसिंग्स यूज ऑफ रिवर्स कर्व बिटवीन टू क्रॉसिंग रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ क्रॉसओवर। ठीक है, और आपको हमने बताया कि टू सेट्स ऑफ द टर्नआउट्स, तो इसमें कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ टर्नआउट, या अगर इनको अलग अलग लिखे तो टू सेट्स ऑफ पॉइंट टू क्रॉसिंग, ठीक है, चेक रेल, इसमें चेक रेल कितनी इस्तेमाल होंगी, दो और दो चार, ठीक है, फोर चेक रेल्स, फोर चेक रेल्स, ये हो गया हमारा क्रॉसओवर के बारे में। अब अगर क्रॉसओवर के डिजाइन के बारे में बात करें कि डिजाइन ऑफ द क्रॉसओवर कैसे करते हैं, उसको डिजाइन ऑफ क्रॉसओवर, तो इमेज बना लेते हैं, कभी हम देखेंगे डिजाइन ऑफ द क्रॉसओवर। ठीक है,
हमने इसका इमेज बना ली। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक ट्रैक है ए बी और दूसरा ट्रैक हमारा, इसको हमने नाम दिया है, नाम नहीं दिया इसका कुछ, ठीक है। इसको कलर से हम कह सकते हैं कि एक हमारा ट्रैक है ये ग्रीन कलर का और एक ये ऑरेंज कलर, दो हमारे ट्रैक हैं, इनको हमको कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉसर, ठीक है। तो हमने क्या यूज करना है, दो सेट्स ऑफ द टर्नआउट, दो सेट्स ऑफ द टर्नआउट, एक सेट यहाँ पे और दूसरा सेट यहाँ पे। तो इसका मतलब कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक क्रॉसिंग यहाँ पे, वैसे ही एक पॉइंट यहाँ पे और एक क्रॉसिंग यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रॉसओवर। अब इसकी हमको डिजाइन करना है, डिजाइन का मतलब हमको क्रॉसओवर की लेंथ फाइंड करना है। अब क्रॉसओवर की लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। एक तो पहले टर्नआउट की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे कर्व लीड, दूसरे टर्नआउट की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे कर्व लीड। दोनों हम सेम रिवर्स कर्व ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दोनों का सीएल चेन सेम होगा और जो बीच का जो स्ट्रेट पोर्शन है, जो बीच का स्ट्रेट पोर्शन है उसकी डिस्टेंस हम लेते हैं एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, कुछ हमने इसमें टर्म डाले हैं उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं है क्या। तो अगर हमने देखा डी, तो डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द, बिटवीन सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट ट्रैक, ट्रैक, ठीक है। डी हो गया, जी आपका हो गया गेज, फिर और कुछ बचा है इसमें, अल्फा जो हो गया वो हो गया एंगल ऑफ क्रॉसिंग, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, और एन लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्रॉसिंग, नंबर ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो भी टर्न थे हम देख लिए, अब नेक्स्ट हम इसके डिजाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सी के, ठीक है। सी कौन सा पोर्शन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी सी के, सी के बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है कि दो ट्रैक के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है डी, और तो सी के कितना हो जाएगा, अगर सेंटर से इधर जी बाई टू घटा दें और इधर जी बाई टू घटा दें, मतलब कि सेंटर से अगर जी घटा दें टोटल डी माइनस जी, ये हो जाएगा हमारा सी के, राइट। अब हम एज्यूम करेंगे या कंसिडर करेंगे कौन सा एक एंगल हम सी ई एफ, सी ई एफ देख लीजिए। तो इसको अगर इनहेंस करके हम बनाएं तो कुछ ऐसा है, ऐसे आएगा, इसको थोड़ा से ये हो गया हमारा, ठीक है। ये सी, ये ई और ये हमारा हो गया पॉइंट एफ, ये 90 डिग्री बना रहा है और ये एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है अल्फा। अब हमें पता है डिस्टेंस ये कितना है जी है और हमको जी पता है, अल्फा पता है,
तो सी ई हमको निकालना रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्या निकालना है, सी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस अल्फा अगर निकाले तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर इसको लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे कितना बनेगा जी, कर्ण कितना हो जाएगा सी ई, तो सी ई बराबर कितना हो जाएगा जी इंटू सेक अल्फा। सी बराबर हो गया जी सेक अल्फा। अब यहां से हम निकाल सकते हैं ई के, ठीक है, ई के, ई के कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमको पता है डी माइनस जी, ये डिस्टेंस हमारी है डी माइनस जी के, और हमको यहां से सी ई मिल गया है, तो यहां से ई के बराबर हो जाएगा, ई के बराबर डी माइनस जी माइनस सी ई, ये हो जाएगा डी माइनस जी माइनस जी सेक अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई के। राइट, अब हमको फाइनली इसमें कैलकुलेट करना था एस, ठीक है, एस फाइंड करने के लिए हमको ई के मिल गया। अब ई के मिल गया तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हम इसमें एंगल कंसीडर करें एच ई के, कौन सा एच ई के, एच ई के, अब यहां से देखो हमारे पास ई के पता है हमको, अल्फा पता है, तो हम लगा सकते हैं टैन अल्फा बराबर, टैन अल्फा बराबर लंब, लंब कितना है ई के, आधार कितना हो गया, ऐसे आधार हमारा है एस, आधार हमारा एस, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा ई के इन कॉट अल्फा, ई के कॉट अल्फा। अब कॉट अल्फा बराबर हमको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ क्रॉसिंग, तो यहां भी लिख सकते हैं एस इक्वल टू ई के एन, और ई के क्या होता है यहाँ पे, ई के हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है डी माइनस जी माइनस जी सेक अल्फा, तो डी माइनस जी सेक अल्फा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एन से। क्लियर है यहां तक, अब अगर एन अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा डी एन माइनस जी एन माइनस जी एन सेक अल्फा। अब सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर सेक अल्फा बराबर लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डी इंटू एन माइनस जी इंटू एन माइनस जी इंटू एन इंटू वन माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। हमने देखा कॉट अल्फा बराबर एन, तो टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा वन अपान एन, तो डी इसको ऐसे लिख सकते हैं डी माइनस जी इंटू एन माइनस जी इंटू एन, इसको लिख सकते हैं वन प्लस एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा डी माइनस जी इंटू एन माइनस जी एन, यहाँ बाहर आ जाएगा तो एन से ये एन कट जाएगा जी इंटू वन प्लस एन स्क्वायर। क्लियर, तो हमारा एस बराबर निकल के आ गया डी माइनस जी इंटू एन माइनस जी इंटू वन प्लस एन स्क्वायर। क्लियर, ये हो गई हमारे एस। अब एस तो हमको पता चल गया, अब हमको टोटल लेंथ ऑफ द क्रॉसवर्ड देखना था, तो लेंथ एल बराबर कितना था सी एल प्लस एस प्लस सी एल। अब सी एल बराबर क्या होता है, हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है कर्व लीड बराबर क्या होता है टू जी एन,
कर्व लीड बराबर कितना होता है, 2gn, 2gn प्लस s बराबर हो गया d माइनस g इंटू एन माइनस जी इंटू वन प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया s प्लस सी एल 2gn। तो इसको हम कह सकते हैं l बराबर 4gn प्लस डी माइनस जी इंटू एन माइनस का जी इंटू वन प्लस एन स्क्वायर। ये हमारा निकल आया लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर, हो गई हमारी डिजाइन, क्लियर है। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द क्रॉसओवर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिजाइन ऑफ द डायमंड क्रॉसिंग देखेंगे, और जो भी बचा हुआ पोर्शन है इसमें सिंगल स्लिप एंड डबल स्लिप क्रॉसिंग वो हम देखेंगे, गॉन्टलेट ट्रैक देखेंगे और फिर सीजर क्रॉसिंग देखेंगे। सीजर क्रॉसिंग इवन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमने क्रॉसओवर देख लिया। अब क्रॉसओवर में क्या है कि हमारी जो ट्रेन है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या तो इधर से इधर जा सकती है और या तो इधर से इधर जा सकती है, ठीक है। कहने का मतलब कि इस हिसाब से जा सकती है या फिर इस हिसाब से। अब इसमें क्या नहीं हो सकता, इधर से अगर ट्रेन आ रही है तो इधर नहीं जा सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर एक सेट और हम लगा दें, एक सेट हम कुछ ऐसे जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब हम दोनों ट्रैक से दोनों डायरेक्शन में हम ट्रेन को मूव करा सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या बन रहा है, एक कैची की तरह स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, कैची की तरह स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सीजर क्रॉसओवर, ठीक है, सीजर क्रॉसिंग बोलते हैं, सीजर क्रॉसओवर या फिर डबल क्रॉसओवर, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि अगर हम दो सेट ऑफ क्रॉसओवर इस्तेमाल कर लें एक साथ, ठीक है, इन कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, सीजर क्रॉसओवर। तो सीजर क्रॉसओवर का अगर हमारे पास इमेज है तो वो मैं दिखा देता हूं आपको, ये है सीजर क्रॉसओवर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ, या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रॉसओवर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू क्रॉसओवर इन अपोजिट डायरेक्शन विच फैसिलिटेट टेट द ट्रेन टू चेंज द ट्रैक track from either direction। अब यहां पे कह सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन से ट्रेन ट्रैक को चेंज कर सकती है, इधर से इधर जा सकती है, इधर से इधर जा सकती है, इधर से इधर जा सकती है, या फिर इधर से इधर जा सकती है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेन जा सकती है, और कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड वेयर स्पेस फॉर टू
डिफरेंट क्रॉस ओवर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास स्पेस होता है तो हम क्या करते हैं, एक क्रॉस ओवर हम यहां प्रोवाइड कर देते हैं और दूसरा क्रॉस ओवर कहीं जाके हम यहां प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इधर से हमारा ये वाली डायरेक्शन में जा सकती थी, इधर से हमारा ये डायरेक्शन में जा सकती थी, लेकिन हम हमारे पास स्पेस अवेलेबल ना होने की वजह से अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसी में हमने एक के ऊपर दूसरा चढ़ा दिया और डायरेक्शन उसका मैंने डिफरेंट अपोजिट कर दिया, तो हमारा पर्पज भी सॉल्व हो गया और स्पेस भी यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीजर क्रॉसओवर या फिर डबल क्रॉसओवर। तो आज के लिए बस इतना ही, और बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसको हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।